हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीतू सोनी ब्लॉग्स। आप लोग कैसे, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो पता नहीं कुछ दिनों से मेरे साथ क्या हो रहा है कि पूरे हाथों में मुझे खुजली होती है और पूरा मतलब नोच नोच के पूरा फूल चुका है। अभी तो थोड़ा कम भी लग रहा है रेड, वरना जब खुजली होता है उस समय बर्दाश्त ही नहीं होता और पूरा हाथ मेरा इचिंग हो गया पूरा हाथों में, वही हाल है। पता नहीं पानी जमता है जैसे जैसे हाथ चूड़ी यहाँ तक है, शायद पसीना या पानी जमता है इसी कारण कुछ कुछ के मेरा हाल हुआ। वैसे बस इतना ही दिक्कत है, ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है, बस इसके नीचे से पूरा हैंड तक है। और परसों टीचर पता नहीं मेहंदी कैसे लगाएंगे, पता नहीं समझ मेरा क्या होगा, क्योंकि मेहंदी मुझे आप लोगों को पता हो, मेरे को अगर पुराने ब्लॉग देखे मेरे आप लोग पता हो मुझे मेहंदी पूरी बनाती अच्छी लगती है, खुद ना हो चाहे दूसरे को लगाओ। और इतना तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक सूखा दे के भी लगाना पड़ेगा, ठीक हो जाऊँगा कहाँ साफ से करूँ, फिर मैं मेहंदी भी लगा पाती हूँ। इसके लिए लगाया हुआ है तो मौसम पूरा काला अंधेरा हो चुका है, तो आप लोग मौसम दिखलाती हूँ। तो सच में लगता है कि बहुत जोरों की बारिश आने वाली है, तो आज कपड़ा लगता है मुझे अंदर ही बारे फ्लोर में डालना पड़ेगा। मेरे सारे यूवी के टॉय मैंने अभी ही धो के डाल दिया, क्योंकि ये बहुत मोटे टॉयज है, पता नहीं क्या इसके अंदर भरा हुआ, जल्दी सूखता है नहीं। लगभग इसको 10 दिन अगर बहुत ज़्यादा जला हुआ धूप उगता है तभी सूखता है, तो ये मैंने 4 दिन पहले ही धोया और अभी भी भींगा ही हुआ है। तो कपड़े सारे मैंने आज अंदर ही फ्लोर में डाल दिए हैं, और थोड़ा बाहर का मौसम को भी इंजॉय कर लिया जाए। क्या हुआ? कहाँ कहाँ जाना है? और यो क्या भूख लगा हुआ है? प्रति वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में खुलता और कृष्ण पूर्ण के बारे में पता चला। और यो शरीफ वो लोग वहाँ गए और कभी वापस नहीं आए। क्या चाहिए भैया? नीचे है ना भैया, नीचे है ना, यू भी नीचे है। उसके बाद गरुड़ पुराण लोगों को पढ़ने के लिए मिले। पता नहीं इसको क्या चाहिए, पूरा पेट पे चार तरफ कूद रहा है, पता नहीं किसी को खोज रहा है शायद। और इसका भी सर से पढ़ रहा है, ट्यूशन चल रहा है। चलो नीचे चलो, क्या कर रहे हो? अरे अरे पैर मेरा खकराया ना, और नाखून लगा रहे हो तुम। जैसे भूमि पर बुरा काम करने वालों, और यो चलो आओ आओ ना, चलो उधर चलो, चलो उधर चलो, उधर चलो, चलो आओ मारेंगे, चलो आओ। डंटा डंटा ला, इसको मारेंगे हम, अभी बदमाशी कर रहा है। इस जगह की अष्ट दिशाएं और अंधकार के रक्षक असुर करते हैं, जो भी भागने की कोशिश करता है उसे कारावास में डाल दिया जाता है और उन बंदियों को शैतानी पक्षियां दंड देती हैं। तो गाइस चलते हैं दवाई पीने, और दवाई पीना बहुत ही मुश्किल काम। रात के बज रहे हैं सवा 11, और मैं मेहंदी यहाँ भी लगाना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि एक हाथ में आज लगाऊंगी तो कल एक हाथ में लगाएंगे, फिर परसों तीजे। और यहाँ पे यूबी भी, इसको जब भी मैं मेहंदी लगा लगते खुद लगाती हूँ ना, तो इसको मन कर जाता है
खुद का नाम लिखने का और मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। फर्स्ट टाइम खुद से अपना नाम लिख रहा हूँ। हाँ, मैं जिंदगी में पहली बार लिख रहा हूँ और मैंने यहाँ पे वाई यू लिख लिया है, बी आर ए जे युवराज। और ये देखा अभी भी बनता है, बनता है, याद है ना, फिर से अगले क्या बोलती कंपनी बनाए ले, बहुत फनी। तो तुम तो अभी लिखे थे नाम, फिर क्यों मिटा लिए? अरे अच्छा, अरे खुद से लिखोगे? हम नहीं लिखते हैं भाई, चादर वादर में मत पूछना हाथ। मैंने ले लिया है ना कपड़ा, कपड़ा बहुत सुंदर लिख रहे हो। वाह 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 युवराज वाह। अरे तो मैंने थोड़ी सी ही मेहंदी इस बार लगाई है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे हाथों में इचिंग हो रहा है, इसलिए। तो अभी रात के बजने हैं कितने, मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ कि कितने रात हो गया और मैं अभी बैठ के मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे नींद आ नहीं रही थी, तो मैंने सोचा मेहंदी ही लगा लेते हैं। तो ये टाइम देखिए आप लोग, 1:45 बजने वाला है। The next day. और यहाँ पर देखिए पिज्जा आ चुका है, तो अभी मैं खाने जा रहा हूँ, ठीक है। पर मैं भाई चीज पिज्जा भाई, हाँ यार बहुत। और गाइस एक हाथ में मैंने आज मेहंदी लगाई है, रात को नहीं लगाई थी मैंने भाई, चीज भर के लपा लप चीज। ये मैंने रात को 2 बजे मेहंदी लगाई थी, और मैंने लूडो खाता दिखाता हूँ आप लोग को, चलिए दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने ये लिया लूडो, आप लोग दिखाते हैं। पहले दिखेगा आप लोग साफ से, दूसरे में है लूडो और उसकी गोटियां हैं। तो गाइस मेरे कारो मेहंदी निकालना पहले, ठीक है। मेरे पापा का नाम विवेक, मैं वही लिख रहा हूँ, आई निकालते। तो गाइस यू भी मेरा मेहंदी में पापा का अपना नाम लिख रहा है, जल्दी से इसको लगाते हैं। चलो ये भी आई भी ई के लिखने बस थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। वो तो मेरे बाल, तो मेरा बाल में मेहंदी लगा लगा के मेरा बाल ब्राउन कर दूंगा, उसके बाद मैं ना वाइट। जल्दी जल्दी लिखो पी आई। वो ना मिटाओ ना बीच में का ई फैल गया। हाँ बस ई, अगर बड़ा ई लिखना है ना मेहंदी से भाई मुश्किल है, कोई प्रोफेशनल लिख रहा है, मैं तो भाई बहुत सालों से नहीं करता आ रहा हूँ, पहली बार लिख रहा ना। हाँ क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। जल्दी जल्दी और भी आई भी ऐसे डर कर देता हूँ। क्या लिख ये का के थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ठीक है। मेरा उसमें देखा उंगली में मेहंदी लगा हुआ है, उंगली छोड़ के मैं ही के लिखना बाकी। जल्दी लिखो और यहाँ पे के लिखना, मैं कोई इसी लगा विवेक। अब नीचे से एक लाइन दे देंगे, अगर मेहंदी में लाइन ना होना भाई अच्छा ही नहीं लगता नहीं उसका, किसका भी लिख रहे हो। चलो तो नीचे लाइन देखते हैं, तो मेहंदी वगैरह लग चुका है और तीज की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो मिलती हूँ मैं आप लोग से कल तीज के दिन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे होते हैं तो कीजिए लाइक शेयर, और मेरे चैनल पर नए तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब।